Sangma Lajule, and I welcome you all to my channel. My name is Sonam. Okay, 10th class topic hai aaj ka, and then again, specially for Ladakhi students, Kargil as well as Leh. Okay, first of all, congratulations to all of you. Since we are in the transition phase, and JK board se pehli baar CBSE like pura Ladakh ko is baar cover karega, and I'll try to make it as interesting as it is possible. Secondly, many of my students, उन्होंने पहले रिक्वेस्ट किया था, आई प्रोमिस्ड यू दैट कि मैं करूँगा बोल के लाइफ, बट आई कुड नॉट मेक इट सो बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज दैट आई वॉज गोइंग थ्रू. ओके, बट देन स्टिल वी डू हैव टाइम, वन एंड हाफ मंथ, आई थिंक मार्च 7 या 11 को आपकी मैथ की एग्जाम है. आई विल मेक श्योर दैट ऑन द बेसिस ऑफ आपकी जो डिमांड्स रहेगी उस हिसाब से मैं अपना टॉपिक्स आई विल स्टार्ट डिलीवरिंग फ्रॉम टुडे. ओके, एंड देन सैटरडे संडे आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम लाइव एंड आई विल डिस्कस द एंटायर पेपर ऑफ पहले CBSE के सिंपल पेपर हम सॉल्व करेंगे, देन आई विल प्रिपेयर सम मॉक पेपर फॉर यू गाइज. दोज हु आर इंटरेस्टेड इन माई क्लास प्लीज डू मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, और वहाँ से आई विल स्टार्ट गिविंग यू द PDF फॉर्मेट. एक क्वेश्चन मैं आपको पहले दे दूंगा एक या दो दिन पहले, देन वी विल डिस्कस इट इन ऑन सैटरडे या संडे, दैट इज फॉर द फुल लेंथ. अदरवाइज एवरी डे आई विल डिस्कस सम टॉपिक्स. ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक्स मैं स्टार्ट करूंगा एवरी डे. ओके, देन द चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल डिपेंड ऑन द जो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे जो मेरे से डाउट पूछेंगे. सो टूडेज टॉपिक अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट बिफोर दैट आई जस्ट फेल्ड की डिस्कशन इस बात पे कर रहे हैं इस बार की CBSE ने इस बार कई सिलेबस को डिलीटेड किया है. सम जो हमें अननेसेसरीली उनमें हमें जंप नहीं करना एज ऑफ दिस टाइम, क्योंकि अभी क्या है, अब यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम, एंड देन प्लीज फोकस ऑन योर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन. करना क्या होता है, कुछ नहीं करना है सर, आपने क्या करना है, NCERT प्लीज गो थ्रू दिस, यस और नो. अगेन अगर इंटरेस्टेड है तो यू कैन रेफर टू दी RD शर्मा एज वेल, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज ऑफ दिस टाइम इज वॉट इज टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, कीप ऑन रिवाइजिंग. जितना ज़्यादा रिविजन करोगे आप, लिमिटेड कंटेंट, लिमिटेड सोर्स, ओके, रिविजन शुड बी मोर. ठीक है, तो वहां से क्या होगा कि यू कुड मैक्सिमाइज योर स्कोर, बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट यू नो और नॉट. ओके, यहाँ पे क्या होगा कि सर आपको टाइम भी मैनेज करना होगा, एंड देन CBSE इन जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ज्यादा डिफरेंस नहीं है. CBSE में थोड़ा सा लेवल मैं कहूंगा लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, एंड देन एज हमारे पास जम्मू कश्मीर में क्या होता था कि JK बोर्ड में यू आर गिवन द डायरेक्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वे डायरेक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. यहाँ थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिल सकता है, बट देन दैट शुड नॉट इफेक्ट यूर हम लोगों का साइकिक बेटा रहता है कि ओके नाउ दिस इज CBSE, वी हैव टू बी सीरियस. ऑफकोर्स आपको पढ़ना तो पड़ेगा सर, हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क डेफिनेटली पेज यू वेरी गुड, आई मीन लेटर ऑन रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, यस और नो. एंड CBSE की जो डिज़ाइन किया है सिलेबस इन चीज़ों को, जो डिलीट भी हुआ है कुछ टॉपिक्स, मुझे लगा कि उनको डिलीट नहीं करना चाहिए था, बट देन स्टिल दे हैव डिलीटेड इन अ वेरी स्मार्टर वे कि ओवरऑल आपकी बेसिक या फाउंडेशन पे इफेक्ट ना करे. आई वॉज एक्चुअली प्लानिंग टू कम लाइव 2-3 मंथ्स बैक, इंक्लूडिंग मैं तो डिलीट जो था सिलेबस उसको भी मैं कवर अप करना चाह रहा था, यस और नो, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज योर बेस. 9th, 10th, अब अगर आगे जाके 11th, 12th में यू स्टडी साइंस और नॉट, इट इज वॉट 9th एंड 10th क्लास की जो एप्टीट्यूड है, बेसिक एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए सर, बिफोर वी वेस्ट टू मच टाइम, ओके, स्ट्रेट अवे कमिंग टू द पॉइंट, दैट इज वॉट सिलेबस कजुकता है का डिजाइन चुज दुख. सो आई प्रिफर कि आई स्पीक इन वॉट हिंदी, बिकॉज मैनी ऑफ माई फॉलोअर्स दे आर ऑल्सो फ्रॉम कारगिल, एंड पहले भी मैं एक बार ये फेस कर चुका कि पीपल वर रिक्वेस्टिंग ओके ले की डायलेक्ट एंड कारगिल डायलेक्ट डजेंट मैच. ओके, सो दोनों के लिए बैलेंस रखे. सो आई स्पीक इन हिंदी, एंड ऑफ कोर्स आई डू हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड लद्दाख एज वेल. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं सर डिलीटेड सिलेबस में क्या है, द चैप्टर नंबर 1. ओके, आई विल नॉट बी टेकिंग टू मच टाइम, जस्ट गिवन दिस, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू गूगल से आप उठा लेना, CBSE के साइड में इट इज गिवन एवरीवेयर. ओके, सो दिस आर द टॉपिक जो आपको नाउ इस पॉइंट पे यू विल सीधा देखते ही आपने इसको स्टक ऑफ कर लेना है. यूक्लिड डिवीजन लेमा इन व्हाट चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में है. यूक्लिड डिवीजन लेमा इट इज गॉन. ओके, ये सिलेबस में हटा दिया गया है. ओके, ये सिलेबस में हटा दिया गया है, और आपके पास सेकेंडली यहाँ के आपके पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपके पास क्या है सर, रेशनल नंबर, दैट इज आपके पास क्या होता था. दिस टू टॉपिक्स आर डिलीटेड इन द चैप्टर नंबर 1. अब इसमें क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर में क्या था आपके पास, जब एनी नंबर विच इज रिटन इन P/Q फॉर्म, यस और नो,
एंड हमने कहा था क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये नाइन्थ क्लास तक ये सिलेबस में था. ये सुनो, व्हेन यू आर आस्क्ड टू डिफाइन व्हाट इज रेशनल नंबर, आपने कहा पी वाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. नाइन्थ टेंथ में जाके हमने देखा सर, एक डेसिमल एक्सपेंशन करके होता था एक टॉपिक. ये सुनो क्या होता था, डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे पास होता था व्हाट, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाला सीन. ये सुनो, नाउ दिस पार्ट इज गॉन, बट आई बिलीव इफ यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग में बिलीव करते हो, सो यू शुड बी नोइंग दिस. बट लेकिन दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू शुड अवॉइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जितना हो सकता है सिलेबस को कंप्लीट कर रहा है. सो ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास एक कंसेप्ट था, इट इज गॉन, दैट इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सेकेंडली आपके पास क्या है, सेकेंड टॉपिक दैट इज पॉलिनोमियल में. पॉलिनोमियल में क्या करना है आपने सर, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज बीन डिलीटेड. बाकी रिलेशन बिटवीन आपका क्या है सर, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक एंड लीनियर, वो आपका वही रहेगा. सिर्फ आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल पे फोकस नहीं करना. दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज व्हाट, क्यूब, ax + b, ax क्यूब + b x स्क्वायर एंड सो ऑन. ये सुनो, तो ये वाला जो जहां डिग्री 3 होगा, अपने डिग्री 3 होगा, उसको अपने डिवाइड करना है. एंड देन सेकंडली आपके पास क्या है, डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल. हम लोगों ने किया था सर डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके. फॉर एग्जांपल x स्क्वायर + 2x को मैंने डिवाइड करना था, मैंने डिवाइड करना था x क्यूब + समथिंग. सो दिस पार्ट इज अगेन गॉन इन दिस चैप्टर नंबर 2. ओके, तो सेकंडली ये हो गया दिस टू. एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपके पास क्या होता था सर, यू डू हैव डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये सुनो, आपके पास क्या क्या था सर, आपके पास था एक, आपके पास था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, आई विल टेल यू व्हाट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपके पास था सर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जेड, 1 1 1, एंड इट इज व्हाट, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो. दिस इज बेसिकली पेयर ऑफ, है ना, लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इटसेल्फ इज सेइंग डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी व्हाट, 1 होना चाहिए. तो इसमें आप कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट करके आपके पास टॉपिक था, दैट इज नो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. सो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट में क्या है सर, कंसिस्टेंट वो होता है जिसका एक सोल्यूशन होगा, कम से कम एक सोल्यूशन रहता था. ये सुनो, कम से कम एक सोल्यूशन रहता था. और इनकंसिस्टेंट में देर इज वॉट, नो सोल्यूशन एट ऑल. ये सुनो, देर इज नो सोल्यूशन एट ऑल. सो जिसका सोल्यूशन होगा वो हम कहते थे, या तो वो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा. ये सुनो, यूनिक सोल्यूशन, या आपके पास क्या होगा सर, यू आपके पास होगा इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. ठीक है, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. एंड नो सोल्यूशन में क्या होता था, वेन द लाइन्स, या तो जो आपके पास इक्वेशन होगा वो क्या होता था, पैरेलल होता था. ये सुनो, सो इनकंसिस्टेंट में पैरेलल, दैट इज अगेन आपके पास कंडीशन हुआ करता था. दैट कंडीशन इज व्हाट, आई विल राइट हियर. कंडीशन क्या था आपके पास, कंडीशन आपके पास था कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट. ओके, यूनिक सोल्यूशन में आपके पास होता था, यूनिक सोल्यूशन में आपके पास था, यूनिक सोल्यूशन में आपके पास था सर, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन आपके पास होता था बी टू. ओके, एंड देन आपके पास क्या था, ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू क्या था, सी वन अपॉन सी टू. इनफाइनाइटली में ये था. दोनों कौन से कैटेगरी में आता है सर, देस आर कमिंग अंडर द कंसिस्टेंट. दिस इज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द डिलीटेड पार्ट. डिलीटेड पार्ट आपको यहां दिख रहा है, आई विल कनेक्ट यू कौन सा वाला पार्ट आपके पास यहां डिलीटेड होगा. एंड इनकंसिस्टेंट में आपके पास क्या होता था सर, इनकंसिस्टेंट में होता था देर इज वन, देर इज नो सोल्यूशन. Yes or no? When there is no solution at all, उसको हम कहते थे inconsistent. And in this case, a1 upon a2 is equal to आपका क्या होता था? b1 upon b2, that is not equal to आपका होता था c1 upon c2. ये आपके पास condition था. Yes or no? So consistent and inconsistent. So unique solution infinitely. So this is basically unique solution होता क्या चीज़ है सर? When the two lines are intersecting, सिर्फ इनका एक ही point जो है वो answer रहेगा. Infinitely many solution मतलब दोनों line क्या होगा? Coincident line होगा. That is basically what? Coincident line. Yes or no? These are intersecting line, we call it. इनको क्या कहते हैं? Intersecting line. And this is no solution. मतलब when two lines are आपके पास क्या होगा सर? Parallel होगा. When two lines are आपके पास क्या होगा? Parallel. When two lines are parallel. तो जब दो लाइन पैरेलल होगा या ये कंडीशन होगा तो आप कहेंगे नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट. ओके, नाउ जो क्रॉस मल्टी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके पास क्या होता था सर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहां पे डिलीट किया जब हम सॉल्व, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या होता था सर, जब इनका सोल्यूशन फाइंड करना था, दिस आर द सोल्यूशन. ओके, दिस आर द सोल्यूशन, ये टाइप का सोल्यूशन होगा. अब हमने करना क्या है सर,
जब आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है वो कहां पे आएगा, वो आपका पार्ट था यहां पे। सी सॉल्व यानी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होता था, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, सॉल्यूशन यानी कि हमें देखना है कि वेदर कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है। अच्छा ये देखो, पहली बात सॉल्यूशन होता क्या चीज है, सॉल्यूशन इज बेसिकली दैट वैल्यू ऑफ, दैट वैल्यू या वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल इन द सेंस यहां पे है एक्स एंड वाई विच विल साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई द इक्वेशन, वो वैल्यू एक्स एंड वाई की जो क्या करता है आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको कहते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपके पास कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट था, ठीक है। अगेन आई एम गिविंग यू दिस, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, बाकी जो मैंने पहले कहा उसको इसके नीचे ही लिख देना। कंसिस्टेंट में आपके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एंड इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। अब उसके बाद जो है ये सॉल्यूशन हमने फाइंड कैसे करना है, वो तो कंडीशन हो गया, दिस आर द कंडीशन a1 / a2, ये हो गया। आपने करना क्या है, सॉल्व सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, टू फाइंड सॉल्यूशन आपके पास थ्री मेथड्स होता था, दैट इज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सुनो, एक आपके पास होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड आपके पास होता था एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड आपके पास था दैट इज व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब ये वाला जो पार्ट है सीबीएसई ने इस बार इसको डिलीट किया हुआ है, ओके। दिस इज समथिंग लाइक a1 / a b, मैं ऐसे लिखवाता था बच्चों को, ठीक है, a b एंड y / आपके पास क्या होगा bc एंड इज इक्वल्स टू 1 / ca ca। फिर मैं बच्चों को कहता था 1221 टैक्सी नंबर 1221 1221 1221। सो दिस पार्ट हैज बीन डिलीटेड, सो डोंट वरी अबाउट दिस। अदरवाइज तीनों एक मेथड है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये डिलीटेड है, बाकी दोनों इंक्लूड रहेगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे सर, एक इक्वेशन से x उठाया हमने, फिर ठीक है दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड एलिमिनेशन मेथड, द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग, ओके, लाइक वी कुड डायरेक्टली मैनिफेस्ट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, एलिमिनेशन मतलब एक वेरिएबल को आपने खत्म करना है, एंड यू नो आई एम श्योर इस स्टेज पे आपको पता होगा एलिमिनेशन हम कैसे करते थे, वी क्रिएट द सेम, अपने क्या करना है मैग्नीट्यूड या एक्स अगर एलिमिनेट करना है तो एक्स की कॉफिशियंट को हम सेम रखते थे, एंड एक को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करते थे, वी यूज टू फाइंड कि लाइक वहां पे एक्स डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो इन तीनों में से आपके पास ये दोनों सिलेबस में इंक्लूडेड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हैज बीन डिलीटेड। नेक्स्ट इसी में ही क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू आपके पास क्या रहेगा सर, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को रिड्यूस करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास होगा 2 / x + 3 / y = 5, है ना, और 3 / x + 4 / y = 7। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली आपका लीनियर इक्वेशन है, पहले हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू डू व्हाट, हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, किस में, लीनियर फॉर्म में, क्योंकि लीनियर का फिर अगेन जब पॉलीनोमियल या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टीच यू, आई विल टेल यू इन डिटेल ये क्या चीज है, ओके। सो ये लीनियर में नहीं है, पहले हम क्या करते थे सर, इसको लीनियर में रिड्यूस करने के लिए, आप क्या करते थे, 1 / x को आप पुट करते थे u एंड 1 / y को आप पुट करते थे v। ऑन रिप्लेसिंग दिस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2u + 3v = 5 हो गया, ठीक है, तो ये अब आपका बन गया लीनियर, सिमिलरली आपके पास यहां मिलेगा, देन इनको सॉल्व करके फिर हमें x एंड y की वैल्यू मिलता था। सो दिस हैज ऑल्सो बीन डिलीटेड इन दी सीबीएसई 2024 में, ठीक है, ठीक है, इक्वेशन रिड्यूसेबल, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने अगेन यहां से डिलीट करना है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आज का टॉपिक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो आई विल फोकस लेस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है सर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू, वो जब सॉल्यूशन जब मैं फाइंड करता हूं सर, तो फाइंड करने के लिए आपके पास तरीके थे, एंड दैट तरीका यानी या मेथड मैं कहूंगा उसको क्या कहते थे हम, फैक्टोराइजेशन, ये सुनो, फैक्टोराइजेशन मतलब उसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है, यस नो, फैक्टर फॉर्म में लिखना है। तो फैक्टराइजेशन में यानी दिस इज बेसिकली टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। सो फैक्टराइजेशन में आपके पास तीन मेथड थे, दैट इज फर्स्ट इज आपका क्या रहेगा सर, मिडिल टर्म स्प्लिट, फर्स्ट इज व्हाट, मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी आप मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करते हो। सेकेंडली आपके पास क्या होता था सर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता था, क्या होता था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आप स्क्वायर को कंप्लीट करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ओके। थर्ड आपके पास है दैट इज सी, दैट इज व्हाट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज क्वाड्रेटिक
formula. So quadratic formula is nothing but alpha and beta, which is nothing but minus b plus minus under root of aapke paas kya rahega discriminant upon aapke rahega 2a. So out of these three ways to find solution of the quadratic equation, isme se aapka completing square method has been deleted. अब बाकी आपके पास दोनों चीज रहेगा. अगर इन दोनों को भी हटा दें फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे. ओके, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ द रूट्स और बाकी सब कुछ रहेगा. सो वी विल स्टडी दिस टुडे. ओके, बाकी आपके पास नेचर ऑफ द रूट्स और ये सब है, दिस आर इंक्लूडेड. सिर्फ क्वाड्रेटिक में आपके पास ये वाला पार्ट डिलीटेड है. नेक्स्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देर इज नो डिलीशन. कोई भी टॉपिक इसमें डिलीटेड नहीं. अगेन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हायर स्टडीज एज वेल एज आपका क्या, इनफैक्ट पूरा 10th क्लास इंपॉर्टेंट है यार. ठीक है, सो APGP इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है टॉपिक, दैट इज वॉट अगेन हेल्प्स यू इन वर्ड लाइक क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड XYZ काइंड ऑफ टॉपिक्स. ओके, देन आपके आया कॉर्डिनेट ज्योमेट्री. सो कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में ओनली टॉपिक दैट इज डिलीटेड इज वो कौन सा टॉपिक है सर? वो है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल. आपका यहां डिलीटेड है, दैट इज 1/2. हम लिखते थे ना एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू आपके पास क्या होता था X1 है ना, Y1 और आपके पास क्या होता था Y2 एंड Y3 ऐसे कुछ लिखा होता था, माइनस टाइम्स X है ना, एक S टाइप से आपके पास एक एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन था. कब? जब आपके पास वर्टिसेस आर गिवन, फॉर एग्जांपल X1 Y1 X2 Y2 एंड X3 Y3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल गिवन इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट फॉर्म, या ठीक है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. तो उस केस में आपने एरिया ऐसे निकालना था, दैट हैज बीन डिलीटेड. अदरवाइज बाकी सब कुछ आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रहेगा, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला है ना, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस आर ऑल इंक्लूडेड इन द सिलेबस. सो यही पार्ट डिलीटेड है. नेक्स्ट, ट्राइंगल में क्या है सर? थ्योरम्स ऑन द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, ये आपका डिलीट किया है. थ्योरम्स ऑन एरियाज, अब ट्राइंगल में बहुत सारे थ्योरम्स है. बिलीव मी, कोई भी टॉपिक मत छोड़ना. CBSE फोकस कर रहे हो, यू डिलीट ओनली दिस टू पार्ट. बट वंस यू आर डन विद योर CBSE, प्लीज रेफर टू दिस टॉपिक्स एज वेल, बिकॉज दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लेटर ऑन आपको समझ में आएगा सर ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट अदरवाइज मोर और लेस बैलेंस्ड है चीजें. ठीक है, सो थ्योरम्स ऑन एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल. मान लो आपके पास दो ट्राइंगल है, ये सुनो, आपके पास क्या है, दो ट्राइंगल है और दो ट्राइंगल मान लो सिमिलर है आपके पास. ये सुनो, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सो आपके पास ऐसा कुछ था, टू ट्राइंगल सिमिलर होगा, सो इसका एरिया A1 होगा, इसका एरिया क्या होगा A2. सो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 का जो रेशियो रहता है वो साइड्स रेशियो ऑफ, वो क्या होता था, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ रेशियो है ना, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये होता था आपके पास. इट हैज बीन डिलीटेड. ठीक है सर, थ्योरम ऑन पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स, ये भी आपका क्या है, ट्राइंगल से डिलीटेड है. नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास क्या है सर? ट्रिग्नोमेट्री में है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. इट हैज बीन डिलीटेड. यस नो, इट हैज बीन डिलीटेड. इसमें क्या क्या डिलीटेड है? जैसे कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास होता था कॉस, क्या रहता था सर, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू आपके पास होता था साइन थीटा काइंड ऑफ थिंग्स है ना. तो ये वाली जो रेशियोस है कॉम्प्लीमेंट्री, वो हटा दिया गया, बाकी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री एज इट इज रहेगा. थर्ड, आपके पास क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सर आपके पास नथिंग हैज बीन डिलीटेड. ये दो टॉपिक है, ये सुनो, एक आपके पास क्या था, एपी से कोई टॉपिक डिलीटेड नहीं है. ओके, नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज आपका क्या रहेगा, HEIGHT, हाइट एंड आपका क्या रहेगा सर, डिस्टेंस. हाइट एंड डिस्टेंस इसमें आता है. ओके, सो ये डिलीट है नहीं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस हम निकालते थे. सो यहाँ पे कोई टॉपिक डिलीटेड नहीं है. अगेन, सर्कल में भी कोई भी टॉपिक इसमें डिलीटेड नहीं है 2024 में. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन इज एंटायरली डिलीटेड, थैंक गॉड, टोटल वेस्टेज. अदरवाइज ये किसी के लिए स्कोरिंग भी हो सकता था, लेकिन मतलब ठीक है, हटा दिया इसको, चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप आगे भी बाद में भी इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं. देन चैप्टर नंबर 12 है सर, एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल. ओके, एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल, उसमें भी कुछ नहीं डिलीटेड है. ओके, देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या है सर आपके पास? फ्रस्टम ऑफ द कॉन हैज बीन डिलीटेड एंड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इन टू अनदर
ठीक है, एंड अदर मिक्स प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन टू डिफरेंट सॉलिड बी टेकन. ये तीन चीज़ें जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपका क्या है डिलीटेड है. नाउ फ्रस्टम बेसिकली क्या था यार, फ्रस्टम आपके पास वही था, एक कॉर्न को अगर मैं कॉर्न को बीच में से यहाँ से काट दूँ तो यू हैव व्हाट, जो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है समथिंग लाइक दिस बकेट वाला शेप, इसको कहते थे हम क्या फ्रस्टम ऑफ कॉर्न. ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ से डिलीटेड है, इट इज गॉन. सो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग व्हाट, कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू आपके पास अनदर टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड. तो उसमें क्या होता था कि सर आपके पास एक बॉल गिवन है, यस नो, यू आर गिवन सर्टेन लाइक एक बॉल गिवन होगा, इस मेटल बॉल हैज बीन मेल्टेड इनटू व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ ए स्क्वायर. ठीक है सर, तो स्क्वायर की डायमेंशन फाइंड करना है समथिंग लाइक दिस, वो आपका यहां से क्या कर दिया डिलीट कर दिया. देन अदर मिक्स प्रॉब्लम्स लाइक प्रॉब्लम विद द कॉम्बिनेशन नॉट मोर देन, मतलब आपके पास कोई सर्कल गिवन है, सर्कल के अंदर ऐसे कुछ फिगर ऐसे ड्रॉ किया होगा तो आपसे बताया जाएगा ये एरिया फाइंड करो ऐसे करके, तो इसमें तीन चार दो या दो से ज्यादा फिगर इसमें नहीं होगा, दो से ज्यादा नहीं होगा, उन्होंने ये लिखा है. ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 14, दैट इज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में अगेन, स्टैटिस्टिक्स में क्या है सर, स्टैटिस्टिक्स से पहले देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में नो टॉपिक हैज बीन डिपेंड, नो टॉपिक हैज बीन डिलीटेड. ओके, सो स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या डिलीटेड है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ एंड आपके पास क्या है अनग्रुप डाटा, दिस टू टॉपिक्स आर डिलीटेड. This has been deleted by the CBSE this year for 2024. Ungroup data. See, आपके पास डेटा होता था, एक क्या होता था, डेटा आपके पास होता था, एक ग्रुप्ड डेटा होता था. ये सुनो, एक आपके पास ग्रुप्ड है, या मैं कहूंगा चलो अनग्रुप डाटा था, और एक आपके पास क्या था ग्रुप डाटा. ये सुनो, तो ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा, तो आपके पास अनग्रुप डाटा इसको डिलीट कर दिया, इट हैज बीन कंटिन्यूड या इंक्लूडेड इन द टॉपिक इन द सिलेबस. सो अनग्रुप डाटा, जैसे मान लो आपके पास 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे देन द डेटास आर रिटन इन द रॉ फॉर्म, वो टॉपिक आपका यहां से क्या किया सीबीएसई ने डिलीट किया हुआ है. अदरवाइज ग्रुप वाले में क्या होता था सर, आपके पास xi गिवन होता था, fi गिवन होता था, ये सुनो ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी लिखते थे. सो ग्रुप डाटा जब आपके पास ये रहेगा, सो बेसिकली व्हाट आपके पास ग्रुप डाटा में इट हैज बीन इंक्लूडेड, अनग्रुप इस टाइप के आपको यहां पे क्वेश्चन नहीं आएगा. सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते कहां पे थे सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते थे कहां पे, मीडियन जब भी फाइंड करना हो तो हमें क्या करना होता सर, हमें क्या करना पड़ता था, उसको एडजस्ट करना पड़ता था, तो उसके लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे. तो यहां पे क्यूमुलेटिव ग्राफ हैज बीन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हैज बीन लाइक डिलीटेड. अगेन वी विल स्टडी दिस वंस वी आर ऑन द टॉपिक. ओके, सो पर डे पर टॉपिक रहेगा, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल कम अप विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, एंड आप अपने तरफ से वहां से बस जस्ट टेल मी, वहां पे सिर्फ कमेंट में ये लिख देना कि लाइक क्वेश्चन नंबर दिस, ये एक्स वाई जेड, और इधर एल्स आप अपने क्या करना सर, एक स्क्रीनशॉट या कुछ मुझे रेफरेंस दे देना, आई विल डेफिनेटली डिस्कस दिस इन माय लाइव क्लासेस. ओके, इफ इट इज लाइव वंडरफुल, आई विल ट्राई टू कम लाइव. ओके, अदरवाइज आपको ये रिकॉर्डेड वीडियोस अपडेट होता रहेगा. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं डन, एंड आई विल शॉर्टली रिलीज माय वीडियोस फॉर व्हाट, आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो वो मैं आज शाम को आफ्टर द ब्रेक आई विल कम लाइव फॉर यू गाइस अगेन. ओके सॉरी, दिस टाइम अभी लाइव नहीं होगा, आई विल डेफिनेटली अपलोड द रिकॉर्डेड वीडियोस. थैंक यू सो मच.